जी मैम, क्या क्या नाम बताया आपने? तेजल जी, तेजल पटेल। तेजल पटेल जी। और मैं आज पूछना चाहती हूँ हमारे गेस्ट से जी कि वो यूपी बिहार से है जी, और वहाँ की एक डिश मैंने सुनी है लिट्टी चोखा। तो कोई बनाते हैं खाना घर पे या किसी को, कोई मेरे को रेसिपी दे सकते हैं तो मैं घर जाके अपने फैमिली को खिला सकती हूँ। अरे हम लोग का एक गाना है जिसमें बनाने की रेसिपी है। हो जाए। अभी तो बच्चों को खिलाना पड़ेगा लिट्टी चोखा। तो आप गागा के बनाएंगे वहाँ पे भी? पता नहीं, सीखना पड़ेगा। तो ये गाना काफी फेमस है, आप इसको देख लेंगे पूरी रेसिपी इसके अंदर। आप कैसे, आप पूरी फैमिली के साथ आई मैम? नहीं, मेरी नीस के साथ आई हूँ। अच्छा, नीस के साथ? हाँ। अच्छा, भतीजी के साथ? मुझे लगा नीस के साथ तो सारे आते हैं। बहुत बढ़िया यार, नीस भी है और नीस भी है। चलिए मैम, शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो कपिल सर। हेलो जी, आई लव यू। मेरा सवाल तीनों से है जी। आप तीनों भोजपुरी के इतने सुपरस्टार्स हो, हम सब आपको इतना पसंद करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप तीनों के बीच में कोई राइवलरी डेवलप हुई हो, कि किसी का रोल बहुत ज्यादा प्रेस किया गया और किसी का नहीं, कभी ऐसा कुछ हुआ है? यहाँ देखने से नहीं लग रहा है। आपके बीच में तो अभी बहुत प्यार दिख रहा है। ये शो खत्म होने तक है बस प्यार। कुछ दिन पहले हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, गंगा जमुना सरस्वती जी। तीनों लोग थे। अच्छा। फाइट मास्टर ने कहा कि रवि जी आएंगे और फाइट स्टार्ट करेंगे, पहला पंच इनको मारेंगे। तो बोले क्यों मारेंगे? ये क्यों मारेंगे? मैं क्यों नहीं मारूंगा पहले? फिर तो भैया बोले, मनोज मैं रवि किशन हूँ, बाबा रवि किशन। तो मनोज भैया बोले कि अरे तुम रवि किशन हो यार, और मैं इस फिल्म में DIG हूँ। तुम DIG को मारोगे? सुबह 9 बजे से 2 बज गया, फाइट स्टार्ट नहीं हो रही। प्रोड्यूसर बेचारा सर पे हाथ रख के ऐसा बैठा है। मैं बोला एक काम करते हैं, ना आप इनको मारेंगे ना ये उनको मारेंगे, आप इनको मारिए और मैं बीच में आता हूँ, ये घुसा मैं ही खा लेता हूँ। कपिल भाई, प्यार इसमें क्या है कि प्यार भी बना है और एक दूसरे को जीवित भी रखते हैं। राइवलरी होनी चाहिए, एक हेल्दी राइवलरी। जी जी जी। ये बहुत अच्छा है कि यू नो देन ये भी बेटर करें अपने जीवन में, हम भी बेटर करें, भिड़े भी रहें, एक सम्मान की बातें हो। और क्या? और सब बढ़िया। शुक्रिया आयशा, एक खूबसूरत सवाल पूछने के लिए, धन्यवाद। दो सर, आप एक गिनने के बाद पैराशूट खोल देना, जमीन आ जाएगी। ऐसे नहीं, तुम कुछ और सीन कर, रोमांटिक प्यार। हाँ सर, रोमांस के बादशाह हैं सर आप। सर रोमांटिक सीन है, आप हीरोइन के साथ हैं, ऐसे बीच में रोमांस कर रहे हैं, पीछे से गाड़ी आके उड़ा देती। यार ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे हर सीन में गाड़ी आ जाती, गाड़ी आ जाती, गाड़ी आ जाती। अरे सर कमाल कर रहे हो, वो मेरी गाड़ी थोड़ी है, कोई दारू पी के आ गया उसको उड़ा दिया, मैं क्या कर सकता हूँ सर। काजल कहाँ है? काजल को बुलाओ ना यार। अच्छा काजल मैम को बुलाते हैं यहाँ पे। मैम, हेलो मैम, कैसे हैं आप? अरे मैम कुछ बोलिए ना, आप बोलती क्यों नहीं? आज मैं काजल बनकर आई हूँ तो थोड़ा एटीट्यूड में हूँ, वरना रोज तो मुझे नागिन और सपोली बना देते हो तुम लोग। अरे इनकी बात क्या बताऊं, जब हम चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग कर रहे थे, मेरा बहुत नुकसान हुआ, इस बंदे ने मेरे से इतनी मेहनत करवाई, रोज मुझे शूटिंग पे ऑटो पे जाना पड़ता था। ऑटो पे क्यों? मैं गाड़ी लेके जाता था, ये मेरी गाड़ी फोड़ देता। इस मामले में मैं तो बहुत खुश नसीब। क्या तुम्हारी गाड़ी कभी नहीं फोड़ी इसने? मेरे पास गाड़ी ही नहीं थी। अरे कैरेक्टर में बोल, तू काजोल है, अदा की बातें मत बता, गाड़ी नहीं है, खाने को नहीं है, पर्दे नहीं है। मुझे भी कैरेक्टर से निकाल दिया। निकुल यार ये क्या है, घुटने के जैसे मुंह जैसी क्या बना रही है? काजल, काजल कहाँ से लगती है यार ये? आप क्यों इतना भड़क रहे हो, खुद आपकी झंडू जैसी शक्ल है, शाहरुख खान बने हो ना सर, कुछ बोल रहे हैं क्या?
काजोल मैम। हाँ जी। काजोल मैम, आप दोनों की जोड़ी सुपर हिट है, फिल्म 700 करोड़ कमाएगी, इसमें कॉमेडी भी होगी। मैं आपको एक कॉमेडी सीन सुनाता हूँ। यस ऑफ कोर्स। एक मैयत है और वहाँ पर आपके जो दादाजी हैं वो मर गए हैं। ये कॉमेडी कहाँ से हुई? एक मिनट आगे तो सुनिए। आप बैठी हैं जोर जोर से रो रही हैं। What? तो पीछे से गाड़ी आके उड़ा देती है उसकी हवा से ना आपकी विग निकल जाती है, लोग देखते हैं टकली और हंसने लगते हैं। मैंने कहा था ना, मैं यार रोहित इस बात पे तुम्हें शाबाश देना चाहता हूँ यार। अरे ऐसे मत दीजिए, लूना चढ़ाइए मेरे ऊपर, मैं शाबाशी भी गाड़ियों पे लेता हूँ। ये सर मैं चाहता हूँ यह पिक्चर आप अनाउंस कर दीजिए, फटाफट बिक जाएगी। हाँ मेरा माइक किधर है यार? मैं माइक अपना घर से लेके आया था। देखिए दोस्तों, कॉमेडी अपनी जगह, लेकिन दिल वाले के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब हम चेन्नई एक्सप्रेस कर रहे थे हम दोनों, बहुत मज़ा आया, जोरदार तालियां हो जाए रोहित के लिए। वो दिन मुझे कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि कोई भी कामयाबी जब होती है तो एक बंदे का हाथ नहीं होता, उसमें आधी मेहनत मेरी थी और आधी दीपिका पादुकोण की। तो ये दिल वाले में ऐसा नहीं है, इसमें आधी मेहनत मेरी है और आधी ईश्वर की कृपा हुई है। बहुत सर, लेकिन जो भी है, हमारी दिल वाले सुपर हिट होने वाली है, उसके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अरे यार पार्टी चल, भारती सिंह हारेगी। अरे वो तो होगा। एक मिनट, हस्बैंड जा रहे हैं रेस्क्यू करने। ओ हीरो बनने तू, बस ये बताने आया था। भारती चलना। इज्जत की सवाल है भारती चल। चल हर्ष तू कर सकता है। मुझे गलत जगह से खींचा जा रहा है। भारती 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 अरे रे भारती यार, भारती गिरा हुआ नहीं उठा सकते। ये बोला नहीं था किसी ने। पकड़ी जरा माँ। क्या मेरा किधर है? नहीं बचा। राजीव के पास। राजीव तुम मेरा डब्बा खा गए। मेरा डब्बा हो डाल दो। ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है यहाँ पे। हाथी चल, अरे ब्लू में डाल दिया, ब्लू में डाल दिया, ब्लू में डाल दिया। अपने लोगों को बोल दे मेरे साथ चीटिंग ना करे। जीतना है ना, वो सारे अपने दम पे जीत, समझी क्या? वो सारे मेरे लोग हैं। अच्छा काम कर, फैंस बने तेरे भी। 1 मिलियन किसके हैं और 7 मिलियन किसके हैं, समझे? हारने के लिए तैयार हो जा। ये क्या करता है? ये देखो, ये कटोरा यहाँ पे छोड़ जाता है ताकि मैं गिरूं और फिर मुझे 2 कटोरे और मिल जाए। चल 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 चल, खेल खेल खेल, जा खेलना। डर गए क्या? डर गए है? आ बेटा। हाँ चल भारती। कमा भारती। क्या हुआ? तेरी जीत बिखरते हुए दिख रही है मुझे। भारती चल। ये तेरी जीत। इसको हटाओ भाई, कचरा साफ करो जल्दी। चलो उठाओ उठाओ उठाओ। बोलो भारती भारती। हट जा।
उसका भी आटा ले लो, उसका भी आटा ले लो। चल भारती। कम ऑन भारती, कम ऑन। भारती जल्दी, भारती जल्दी। हर्ष मेरे ऊपर न मारे, हर्ष मेरे ऊपर न मारे।